तरीका यहाँ दर्शाया जा रहा है। कृपया शांति ढंग से इस कविता के माध्यम से सीखने सिखाने का जो शैली होगा समझने का प्रयास करेंगे और अपने विद्यालय में अपने बच्चों को इसी विधि से एक्टिविटी से पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बच्चों का दिगम निश्चित रूप से ऊपर का स्तर उठेगा। तो लीजिए कविता है, आप लोग कैसे बोलेंगे? एक चिड़ाई भाई एक चिड़ाई पेड़ पर बैठी एक चिड़ाई एक चिड़ाई भाई एक चिड़ाई पेड़ पर बैठी एक चिड़ाई एक आ गई पुर से न जाने किधर से अब बताइए क्या चिड़ाई दो चिड़ाई भाई पेड़ पर बैठी दो चिड़ाई पेड़ पर बैठी दो चिड़ाई एक आ गई फुर से न जाने किधर से तीन चिड़ाई भाई तीन चिड़ाई पेड़ पर बैठी तीन चिड़ाई पेड़ पर बैठी